अपने दिन की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो एक पोयम है लवली थिंग्स के साथ। सो अबाउट द पोयम पढ़ के पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि पोएट ने ये पोयम किस संदर्भ में लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस पोयम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ तो आपको पढ़ के ही क्लियर हो गया होगा कि पोएट ने ये पोयम किस लिए लिखी है, तो ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, अर्थात कवि ने इस पूरे कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस पोयम। ब्रेड इज अ लवली थिंग टू ईट, गॉड ब्लेस द बार्ली एंड द वीट। यहाँ एक बच्चे का फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर कवि एक बच्चे के माध्यम से बताना चाहता है कि एक बच्चा जो है वो हाथ जोड़कर भगवान से कह रहा है कि भगवान जौ और गेहूं का भोग आप लगाएं, क्योंकि आपने ही आपकी ही कृपा से आपके ही आशीर्वाद से रोटी जैसी स्वादिष्ट वस्तु, रोटी जिससे हम जीवित रहते हैं, वो आपकी कृपा से ही हमें मिला है। सो इसका पहले आप भोग लगाओ। अ लवली थिंग टू ब्रेथ इज एयर, गॉड ब्लेस द सनशाइन एवरीवेयर। अब दूसरे स्टेंजा में ये जो बच्चा है ये भगवान से कहता है, भगवान आपने हमें जीवित रखने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए प्यारी चीज हवा बनाई है। इस धरती पर सूर्य की रोशनी जिसे हम धूप भी कहते हैं, भगवान वो आपके ही आशीर्वाद से चारों तरफ पड़ रही है, तो आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही हमेशा बनाए रखें, क्योंकि बिना इस सूर्य की रोशनी के इस पूरे जीव जगत का चलना नामुमकिन है। द अर्थ अ लवली प्लेस टू नो, गॉड ब्लेस द फोक्स दैट कम एंड गो। अब ये बच्चा कहता है कि भगवान ये धरती बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो हमेशा चलते रहता है। वो सब कैसे पॉसिबल है? वो सब आपके आशीर्वाद से पॉसिबल है। इससे इतने सुंदर तरीके से इसे इतने अच्छे क्रम में चलाना सिर्फ आपके ही बस की बात है, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। अ लाइफ्स अ लवली थिंग टू बी, गिवर ऑफ लाइफ वी से ब्लेस दी। अब लास्ट स्टेंजा में बच्चा बोल रहा है, हे जीवन के दाता हमें आशीर्वाद दें, जीवन के हर सुख दुख में हम सभी पर आप अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के और बिना आपकी कृपा दृष्टि के ये जीव जगत इतने अच्छे से नहीं चल सकती है और ना ही कोई इतने अच्छे से जीवित रह सकता है। सो आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आया होगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इस पोयम को याद भी करना है।